शबनम और सलीम के केस में है बहुत ही बड़ा लफड़ा। आखिरकार क्या है इतना बड़ा लफड़ा कि इतना टाइम लग गया। दोस्तों पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और दोस्तों अभी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस जानकारी को जो मैं देने वाला हूँ बहुत ही बड़ी जानकारी, उससे ज्यादा से ज्यादा आप दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि 2015 में दोस्तों शबनम और सलीम के द्वारा जो दया याचिका लगाई गई, उस दया याचिका में कुछ ऐसी चीजें लगाई गई जिसकी वजह से आज भी फाइनल जवाब नहीं मिल पाया है दोस्तों न्यायालय के द्वारा। मैं आप लोगों को बता दूं 2015 में इनकी जो सजा घोषित की गई थी उसमें थोड़ा सा टाइम मिलने के कारण शबनम और सलीम ने उस टाइम का फायदा उठाया, और उसी बीच शबनम और सलीम ने अपनी दया याचिका लगा दी। और उस दया याचिका में नंबर एक, किसी भी महिला को आज तक यह सजा नहीं दी गई है, 2001 के केस वाली महिला को भी नहीं, और 1996 वाली तीन महिलाएं थी उनको भी नहीं दी गई है, ऐसी कुछ दया याचिका में लिखा गया दोस्तों। दूसरी, शबनम ने अपनी दया याचिका के द्वारा जो दलील पेश की उसमें बताया दूसरी कि उसका एक बच्चा है और वह एक माँ है। दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने अपनी दया याचिकाओं में कुछ तीन चार पॉइंट ऐसे जोड़ दिए जिनकी वजह से दोस्तों आज तक फाइनल जवाब नहीं आ पाया है, और जिस पर बहुत ही बड़े रूप से सोच विचार किया जा रहा है। दोस्तों ये थी 2015 में दया याचिका लगाई गई उसकी कुछ दलीलें। 2021 चल रहा है और अभी तक शबनम और सलीम को लेकर कोई भी फाइनल जवाब नहीं आया है। दोस्तों सच में यह बहुत बड़ी बात है कि इस केस में कुछ ना कुछ तो इतना बड़ा लपड़ा है कि जिसकी वजह से बहुत अधिक सोच विचार किया जा रहा है, या फिर शबनम और सलीम के द्वारा कुछ ऐसी दलीलें पेश की गई हैं जिसकी वजह से इनकी सजा माफ भी हो सकती है और वह उम्र कैद में भी बदल सकती है। दोस्तों सच में यह जानकारी चौंकाने वाली है कि शबनम और सलीम ने जो दया याचिका में कुछ दलीलें पेश की जो कि बहुत ही बड़ी दलीलें थी जिनकी वजह से ये दोनों बच सकते हैं। हाँ दोस्तों इन दोनों को उम्र कैद की सजा हो सकती है, जो सजा सुनाई गई है वह ना होकर वह उम्र कैद में बदल जाएगी। यह सच में चौंकाने वाली जानकारी है। शबनम और सलीम की दोस्तों सबसे बड़ी दलील ये जोड़ी गई है कि शबनम और सलीम के 13 साल का रिकॉर्ड, हाँ दोस्तों शबनम सलीम का जो रिकॉर्ड रहा है 13 साल का जेल के अंदर का जो रिकॉर्ड रहा है दोस्तों वह बहुत ही अच्छा रहा है, जो कि दोस्तों हर किसी को पसंद आएगा, क्योंकि उनके इस 13 साल के रिकॉर्ड के अंतर्गत उन्होंने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से शासन को कोई हानि हो। शबनम और सलीम के 13 साल के रिकॉर्ड के अंतर्गत जो पुलिस प्रशासन है उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, ना ही कभी भी भागने की कोशिश की है, बल्कि हर व्यक्ति की जिसकी मूल्यवान दोस्तों जो उम्र होती है वह उम्र शबनम और सलीम इस जेल के अंदर गुजार चुके हैं। दोस्तों वैसे तो 90% चांस इन दोनों को लेकर उम्र कैद का चांस है, क्योंकि इससे पहले जो भी मामले सामने आए दोस्तों उनको देखते हुए ही फैसला सामने आएगा, इतना तो पक्का हो गया। और दोस्तों रही केस में लफड़े की बात भाई, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है भाई, 2015 में लगाई गई याचिका की आज 2021 में भी फाइनल जवाब नहीं आया। दोस्तों आप जान ही सकते हैं कि 2008 का केस 2021 में भी चल रहा है, और रही बात फाइनल जवाब की, दोस्तों 13 साल बीत चुकी हैं अभी तक फाइनल जवाब नहीं आया है। आपको क्या लगता है कि सच में शबनम और सलीम के केस में कुछ नया ट्विस्ट आ गया है जिसकी वजह से इतना सोच विचार किया जा रहा है और टाइम भी अधिक लग रहा है? आखिरकार क्या है इस केस के अंतर्गत, क्या सच में शबनम और सलीम के केस में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसकी वजह से सोच विचार किया जा रहा है, इतना अधिक टाइम लग रहा है? आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करके दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं और सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है आखिरकार शबनम और सलीम के फाइनल फैसले में। चलता हूं दोस्तों, धन्यवाद।